शेखुपुरा में गैर मयारी दूध की फरोख्त का सिलसिला जारी। माहिरीन सेहत के मुताबिक महंगे दामों दूध लेकर शहरी मोहलिक बीमारियां खरीद रहे हैं। शेख इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। शेखुपुरा में गैर मयारी दूध की फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। दूध फरोश पानी के साथ साथ मखसूस किस्म का पाउडर और सरफ मिलाकर इंसानी जिंदगियों से खेलने लगे। थोड़ा दूध बनाने के लिए बाजू का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ज्यादा मिकदार में दूध तैयार करना हो तो पाउडर मिलाकर मशीन से गूटा दिया जाता है। दूध की दुकानों में मुनासिब सफाई का ना होना भी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों को दावत देना है। माहरीन सेहत के मुताबिक महंगे दामों दूध लेकर शहरी मोहलक बीमारियाँ खरीद रहे हैं। दूसरी जानब फूड अथॉरिटी और जिला इंतजामिया ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार करके अवाम को लावारिस छोड़ दिया है। इंतजामिया के अफसरान जब भी चेकिंग के लिए आते हैं, शाही प्रोटोकॉल के साथ फोटो सेशन करके वापस चले जाते हैं या फिर गरीब दुकानदारों के चलान काट दिए जाते हैं, जबकि मिलावट माफिया के आगे इंतजामिया बेबस दिखाई देती है। सियासी और समाजी हलकों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और बरवकत कार्रवाई करने का मुतालबा किया है, ताकि मुजरे सेहत दूध फरोख्त करने का सिलसिला बंद हो और कीमती जिंदगियों को बचाया जा सके।